Do it. जितना भी है स्टिल बिना टिके का है. तो अभी मेरे पास ये ऑर्डर आया है मेरे प्रोटीन का, जो मैंने मंडे को ऑर्डर किया था और थर्सडे को मेरे पास ये पहुंचा है. आज फ्राइडे को वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्राइडे का पेपर है, देख लेना. सो 3-4 दिन में आ जाता है, मैं मोहाली रहता हूँ उसके हिसाब से. कॉफ़ी कैरामल फ्लेवर, यूनिक फ्लेवर. अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लेना, जिनको अच्छे लगते हैं ऐसे फ्लेवर. और देन दिस इज कॉफ़ी फ्लेवर. आई एब्सोल्युटली लव दिस कैवेंडर कॉफ़ी. अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी पीने का शौक है, गर्मियाँ आ गई हैं, दूध में डाल के पियो, मस्त ब्लेंड करके मज़ा आ जाता है. कोल्ड कॉफ़ी का पूरा टेस्ट आता है. और एडिशनली कॉफ़ी डालनी है तो भी डाल सकते हो, बिना शुगर के आपको कोल्ड कॉफ़ी मिल जाती है. 25-30 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है. माई एब्सोल्युटली फेवरेट. अब इस क्रिएटिन की खास बात पता क्या है? खास बात ये है, ये इसमें यही क्रिएटिन है फ्लेवर्ड. ये देखो ऑरेंज कलर आ रहा है ना, दिस इज ऑरेंज फ्लेवर्ड क्रिएटिन. शायद आप लोगों में से काफ़ियों ने कभी पिया ना हो. ये फ्लेवर्ड वाला क्रिएटिन है, बहुत टेस्टी लगता है. इट इज़ लाइक यू आर ड्रिंकिंग ग्लूकोन डी, मज़ा आ जाता है. और मेरी जो हालत है अभी, चोट वगैरह लगी हुई है, तो क्रिएटिन आपको पता है कई रिसर्चेज में पाया गया कि इंजरीज में भी हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, नॉट जस्ट मसल बिल्डिंग, राइट. ये आपके ब्रेन के लिए भी और मल्टीपल काम होते हैं क्रिएटिन के. लेकिन ज़्यादातर जिम वालों को सिर्फ ये लगता है क्रिएटिन सिर्फ मसल बिल्डिंग, सिर्फ मसल मसल मसल. इसकी रेसिपी आने वाली है, मैंने बोला था मैं बताऊँगा, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, अगली वीडियो में बताऊँगा इसकी रेसिपी क्या है. मैं डेली खाता हूँ जो मॉर्निंग में. प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स के अलावा 1000 और चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी मैप्रोटीन के. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको कुछ बाय करना हो यू कैन डू इट. डिस्काउंट कोड यूज कर लेना दमन, तो आपको डिस्काउंट बेस्ट ऑफर जो चल रही होगी मिल जाएगा. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. मैं बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ. कौन सी बाइक ली मैंने, काफ़ी लोग पूछ रहे थे. 2 महीने से मैं बोल रहा था बाइक लूँगा. 2 वीडियो भी डाली हैं ऊपर बाइक के रिगार्डिंग, ऊपर देख लेना आई बटन पे. उसमें मैंने दिखाया था कि काफ़ी सारी बाइक्स मैंने चलाई और 2 फाइनलाइज़ की, और 2 में से 1 मैंने कौन सी ली वो आज डिस्कस करूँगा. और ये आपको रिमाइंड करेगा कि अगर आप बाइक सही से नहीं चलाओगे, गलती करोगे, आपके साथ ऐसा हो सकता है या आप किसी और के साथ ऐसा करोगे, ठीक है. तो आपको रिमाइंडेड रहे. यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद पहली बार होगा कोई बाइक के बारे में बता रहा होगा अपनी, कौन सी बाइक उसने ली और इस हालत में. इट्स फनी, माई ह्यूमर इज़ गेटिंग डार्कर आफ्टर द एक्सीडेंट. एनी वे, तो यार मैंने फाइनलाइज़ की थी 2 बाइक्स, ठीक है. आपको पता है पिछली वीडियो में स्क्रैम्बलर 400 ट्रायम्फ कंपनी की, और दूसरी होंडा की नई आई है CB 350. रिमेंबर दिस इज़ नॉट 350 हाईनेस, दिस इज़ न्यू लॉन्च, जो कि आप क्लासिक 350 के लोकल लाइक बोल सकते हो. ये नवंबर दिसंबर में आई है 2023 में. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई टेल यू, मैंने होंडा CB 350 बाई की. दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छी थी, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 भी और ये होंडा CB 350 भी. लेकिन मेरा रीज़न क्या है इसके पीछे, मैंने ये क्यों पिक किया आपको बताता हूँ. पहली चीज़ पोस्टर. मुझे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जो क्लासिक 350 का पोस्टर होता है बैठने का स्टाइल, मुझे वो अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि सीट बहुत बड़ी होती है, मज़ा आ जाता है. मतलब जितना मर्जी आप राइड करो कम्फर्टेबली, है ना, इट मैटर्स, मेरे लिए मैटर करता है कम्फर्ट. सो पोस्टर पहली चीज़. दूसरी चीज़ पिलियन कम्फर्ट, क्योंकि ये सीधा है बाइक बिल्कुल, तो पीछे वाला अगर कोई पीछे बैठता है, मेरी वाइफ बैठती है, इट विल बी मच ईजियर फॉर हर रादर देन. जो ट्रायम्फ में क्या है 400X में, उसकी हाइट ऊंची है तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है बैठना, मतलब एक शॉर्ट हाइट वाले पर्सन को. तो मैंने उसके बारे में सोचा, दैट्स वाई आई गॉट CB 350, बिकॉज उस पर बैठना ईजी है. तीसरी चीज़ बिग फैक्टर, अवेलेबिलिटी. मुझे बाइक चाहिए था फेब्रवरी में और होंडा CB 350 मिल रहा था. ट्रायम्फ के केस में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि 2024 वाला जो मॉडल होगा वो आपको मार्च के एंड में मिलेगा या अप्रैल में मिलेगा, ये उन्होंने बोला. क्योंकि उनके पास मॉडल था वो 2023 मॉडल था, 2023 दिसंबर मॉडल, वो मैं क्यों लूँगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग 2024 की लूँगा ना, अगर 2024 में ले रहा हूँ. सो उनके पास नहीं था, मैं अप्रैल तक वेट करता तो ले पाता. अगर शायद वेट करता तो मे भी ये एक्सीडेंट भी ना होता, अगर ट्रायम्फ की वेट कर रहा होता कि एक्सीडेंट मेरा नई बाइक पे ही हुआ है, जो भगवान को मंजूर हो, ठीक है. भगवान ने कोई लेसन देने थे दे दिए, तो इसलिए बोलते हैं हमारे सिखों में कि पाना मनना,
यू हैव टू एक्सेप्ट द गॉड्स विल। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें तुम्हारा भी हाथ नहीं होता, तो तुम्हें गॉड की विल माननी पड़ेगी। चौथी चीज़, देखो होंडा सीबी 350 जो है ना वो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, वन ऑफ द बेस्ट इंजन है इंडिया में अभी, वो 350 सेगमेंट में बेस्ट ही है, ऑलमोस्ट नंबर वन पे ही है। किसी से भी पूछ लो, किसी बाइक रिव्यूअर से पूछ लो, किसी बाइक के मामले में एक्सपर्ट बंदे से पूछ लो, वो बोलते हैं कि सीबी 350 वाला इंजन अब तक नहीं बना, इतना स्मूथ इतना वाइब्रेशन फ्री वाला इंजन जो है वो बना ही नहीं है अभी तक। आपको पता है होंडा सीबी 350 हाइनेस कितना बिका है, कितना ही बिका है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। जिन लोगों को क्वालिटी समझ आती है राइड की उनको पता होगा, जिनको सिर्फ बाहरी लुक्स देखनी होती है उनको ये बातें नहीं समझ आएंगी, ठीक है। सो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन था, सेम इंजन ये वाले बाइक में यूज हुआ है, सो कोई रिलायबिलिटी इशू मुझे पता है नहीं आने वाला था। लेकिन ट्रायंफ में हो सकता है बिकॉज न्यू इंजन है कोई प्रॉब्लम आए, अभी ट्राइड एंड टेस्टेड वो नहीं है। वैसे होपफुली अच्छा ही होगा, आई नो, बिकॉज ट्रायंफ इज अ बिग ब्रांड है ना। लेकिन फिर भी अगर एक दो साल उसको देख लिया जाए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि न्यू बाइक है, लोगों को सर्विस रिव्यू कैसा मिल रहा है, ये सब देख के बाद में लिया जाए तो विल बी बेटर। पांचवी चीज़ मेरे लिए खास मैटर नहीं करती थी, मेरे बजट में ट्रायंफ 400X भी था, लेकिन स्टिल इसकी कॉस्ट कम पड़ रही थी, 80,000 मान लो कम पड़ रहा है, तो मेरे को ऐसा था कि चलो 80,000 में तो एक साल का फ्यूल निकल जाएगा, दो साल का फ्यूल निकल जाएगा। बट इससे भी ज़्यादा चीज़ थी पांचवे पॉइंट की, कि जो होंडा के सर्विस सेंटर हैं बिग विंग वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रायंफ। कभी दिक्कत आती है राइड पे जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, तो होंडा स्टिल मैं सर्विस सेंटर में पहुँच सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू ट्रायंफ, जो कि बहुत कम है इंडिया में। हालांकि आरी रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर सबसे ज़्यादा है, नो डाउट, ठीक है, उसको मैच नहीं कर सकता, बट ट्रायंफ से तो होंडा बिग विंग के ज़्यादा ही हैं। दैट वॉज माई अनदर पॉइंट गिवन बाय समवन स्पेशल। इसके अंदर हम डालेंगे चाबी। मुझे ये एक लूप वाले की रिंग पसंद है बिकॉज मैं जीन में लगा सकता हूँ। चलो धूम मचा के शीशा तोड़ दे हूँ सामने वाला। बहुत सारे लोगों का कमेंट थे पिछली वीडियो में भी कि कौन सा बाइक लूँ, ये वाला या ये वाला। देखो स्पेसिफिकेशंस कंपेयर कर लो, उसके बाद जब आप टेस्ट राइड लो, दोनों को अच्छी तरह टेस्ट राइड करो, देखो आपके पैर किस मोटरसाइकिल में सही तरह लगते हैं, कौन सा आपको ज़्यादा चला के फन टू राइड लग रहा है, जिस पर आपको चला के ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अगर आपने पिलियन बिठाना है उसको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, सो ये सब चीज़ें देख के डिसाइड करो। बाकी अभी बाइक को मेरा, क्योंकि मैं एक्सीडेंट हुआ तो गिरा है, कुछ चोटें आई हैं बाइक्स पे भी, तो वो सर्विस सेंटर में खड़ा है, रिपेयर होगा, चीज़ें रिप्लेस होंगी, उसकी कॉस्ट कितनी आती है वो भी आपको पता चल जाएगा 3-4 हफ्ते बाद, जब मैं ठीक करवाऊंगा उसको, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा, और देख लेंगे कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ वर्क वो करते हैं, सर्विस उनकी कैसी है ना, कि नए पार्ट्स अवेलेबल हैं इजीली या नहीं। और एक चीज़ थी, मैंने मीटियोर क्यों नहीं ट्राई किया, मीटियोर मैंने ट्राई किया है जस्ट बिकॉज मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, मीटियोर मेरे दोस्तों के पास था, उसका ट्राई किया हुआ है मैंने, तो एज़ कम्पेयर टू मीटियोर मुझे सीबी 350 ज़्यादा हल्का लगा, ज़्यादा फन टू राइड लगा और ज़्यादा पावरफुल भी लगा, तो दैट वाज द रीज़न मीटियोर मैंने कंसीडर नहीं किया। मीटियोर एक अच्छा बाइक है, लेकिन जब आप इसको ये वाले बाइक के सामने चलाओगे ना तो आप मीटियोर को थोड़ा सा काइंड ऑफ भूल जाओगे आप, ये बात बता रहा हूँ मैं। ऑल्सो मेरी वीडियो वायरल थी इंस्टाग्राम पे जब मैंने ये बाइक दिखाई थी, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर, बहुत सारे रॉयल इनफील्ड के फैन बॉयज हर्ट हो गए थे बिकॉज मैंने लिखा था क्लासिक 350 किलर, तो इतनी जल्दी हर्ट नहीं होना चाहिए यार, बाइक्स हैं, बाइक्स हमारी, बाइक्स कंपनी हमारे बाप की तो है नहीं कि आपको हर्ट फील करना है, इट जस्ट अ मशीन, डोंट गेट टू मच अटैच टू इट, ठीक है। देखो ना मैं होंडा का फैन बॉय बनने वाला हूँ, ना मैं रॉयल इनफील्ड का, ना मैं गूगल का फैन बॉय हूँ, ये गूगल का फ़ोन है, और ना मैं आईफोन का। चीज़ों को लॉजिकली देखो, किसी के फैन बॉय नहीं बनना होता है, ठीक है। ओके तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, इट्स अ फिटनेस चैनल बेसिकली, कोई फिटनेस टॉपिक है सजेस्ट करो, आई विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जिम तो जा नहीं सकता, बातें कर सकता हूँ, लेकिन बाय बाय।